छतरपुर शहर के कला मंडी के सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा मोदी गारंटी के खिलाफ पंडाल लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष महाप्रसाद पटेल ने बताया कि उनके पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के निर्देश पर ये लोग किसानों के हित में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो जुझारू प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, उनके निर्देश के आधार पर जिला मुख्यालय पर मंडी के सामने यह धरना दिया गया है। इसमें सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी सभी साथ में और सभी युवा साथी जो यहां पर पधारे, आज यह कार्यक्रम जो किसानों के लिए MSP लागू की जाए, सभी फसलों के दाम उचित मिलें, इसी को लेकर के हम लोगों ने यह धरना दिया। तो क्या मानते हैं कि नहीं उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं किसानों को, बोली हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके लिए दबाव? किसान परेशान है, महंगाई की दौर में खाद बीज बहुत महंगाई के समय पर तेज मिलता है और उचित दाम फसलों के नहीं मिल पाते, इसलिए MSP लागू होना बहुत ज़रूरी है, यह हमारा मानना है और हम किसानों के साथ हैं। किसान बहुत परेशान है, उससे संपूर्ण जिला में जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई है उसके लिए भी पटवारी द्वारा जो मुआयना किया गया है उसमें हम लोगों की कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग है कि जो नई गाइडलाइन है उस नई गाइडलाइन के आधार पर सभी को उचित मुआवजा दिया जाए और उनका नुकसान उचित दिया जाए जहाँ जहाँ पर ओलावृष्टि हुई है। और सन 2013 में जो भूमि अधिग्रहण पारित हुआ था उसको भी लागू किया जाए, अपने मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण कर लेते हैं सरकार और उसका उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, इसलिए भूमि अधिग्रहण भी पारित किया जाए और हमारे सभी किसानों को 2700 रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूं का रेट दिया जाए, 3100 की धान, इसी सभी बातों को लेकर के हम आज यहां धरना पर बैठे, सभी लोग हमारे साथ में। साथ ही कांग्रेस ने मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण का मामला भी उठाया, जल्द ही इस मामले पर कांग्रेस ने मोहन सरकार से समाधान निकालने की मांग की है।